नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हिमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा ए ए की मात्रा की थी। हमने क्या किया था लास्ट सेशन में, हमने ए की मात्रा की थी। जिसके ऊपर एक मात्रा लगती है उसको ए की मात्रा कहते हैं, राइट। हमने ए की मात्रा की थी, हमने पूरी वर्णमाला भी देखी थी कि उसमें के खे गे घे कैसे लिखते हैं, और फिर हमने उसका एक चैप्टर भी किया था, राइट। आज हम लोग उस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पार्ट वाला में पेज नंबर 37 और 38 में हमारा क्या है, हमारा अभ्यास है वो करना है, और हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो भी आज हम लोग करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि वो जो चैप्टर है हमारा ए वाला, ए के खे, राइट, तो उस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था वो हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हम लोग ये हमारा अभ्यास है पेज नंबर 37 वाला वो इजी से कर सके, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले रेल का खेल। नेहा और रमेश खेत गए, खेत के पास बगीचा था, वहां वह रहा केले का पेड़, वह रहा सेब का पेड़, यह रहा सेब का पेड़। तभी सुदेश और कोना एक रेखा, यानी कि कौन कौन थे, नेहा, रमेश, सुदेश और रेखा, राइट, चारों के नाम याद रह गए। सबने खूब केले और सेब खाए, फिर सबने क्या किया, खूब केले और खूब सेब खाए। फिर शुरू हुआ रेल का खेल, फिर क्या शुरू हुआ, रेल का खेल, क्या शुरू हुआ, रेल का खेल। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, चुक 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 चुक। रेल का खेल था बड़ा मजेदार, रेल का खेल कैसा था, बड़ा मजेदार, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर। नाउ अभी हम लोग हमारा पेज नंबर 37 हमारा अभ्यास वो स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन 1 है, उसमें हमें क्या दिया है कि अब बताओ, सिर्फ बताना है, पर हम लोग उसके शॉर्ट्स में आंसर लिखते हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस पार्ट में किन बच्चों के नाम आए हैं, इन पार्ट में, या जो पार्ट था हमारा रेल का के, उसमें कौन कौन से बच्चे थे, उन बच्चों के नाम क्या क्या थे। मैंने देखो जो अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब, और अभी भी हमने रिवाइज किया तब भी मैंने उन बच्चों के नाम आप लोगों को दो बार वापस रिवाइज करवाए थे, राइट। तो आप देखो कि उसमें कौन कौन से बच्चे के नाम लिए थे, याद करो चलो कि कौन कौन से बच्चों के नाम है। चार बच्चे थे, राइट, कौन कौन से याद करो। सबसे पहले कौन था, नेहा, कौन था, नेहा, नेहा, राइट। और कौन था, रमेश, कौन था, रमेश, रमेश, नेहा, रमेश, और उसके बाद कौन था, सुदेश, कौन था, सुदेश, सुदेश, और उसके बाद कौन था, रेखा, कौन था, रेखा, नेहा, रमेश, सुदेश, रेखा, नेहा, रमेश, सुदेश, रेखा। इसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर बच्चों ने क्या क्या खाया, बच्चों ने क्या क्या खाया था, किस किस के पेड़ थे वहां पर, केले और सेब के, तो उन्होंने क्या खाया होगा, केला और सेब। तो बच्चों ने क्या क्या खाया था, केला, केले और क्या खाया था, और सेब, क्या खाया, केला और सेब खाए, बच्चों ने केले और सेब खाए। फिर उसके बाद क्या, रेल का खेल कैसा था, रेल का खेल कैसा था, हमने लास्ट में देखा था ना, रेल का खेल कैसा था, बड़ा, बड़ा कैसा था, बड़ा मजेदार, कैसा था, बड़ा मजेदार,
मिल्का खेल के था बड़ा मजेदार, राइट। पार्ट में किन किन बच्चों के नेम थे? तो नेहा, रमेश, सुदेश, रेखा, और उन्होंने क्या क्या खाया? केले और सेब। और रेखा खेल के था बड़े में बड़े मजेदार, बड़ा मजेदार के था बड़ा मजेदार, राइट। तो ये था हमारा अब बताओ, यानी कि हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर। क्या था? छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन वन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? ब्लैंक्स है। क्या है? ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरो। सबसे पहले देखो, खेत के पास डेज था। क्या था खेत के पास? तालाब था या बगीचा? खेत के पास क्या था? तालाब या बगीचा? यस, बगीचा था। खेत के पास क्या था? बगीचा था, राइट। क वाला है, राइट। फर्स्ट क, खेत के पास क्या था? बगीचा। क्या था? खेत के पास बगीचा था, राइट। उसके बाद देखो सेकंड वाले में, वह रहा देश का पेट। वह में क्या दिया था हमने? केले या आम? तो आम के पेट की तो कभी बात ही नहीं हुई थी, केले और सेब के पेट की बात हुई थी। और वह भी, वह रहा क्या? केले का पेड़। किसका पेड़? केले का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केले। क्या लिखेंगे हम लोग? केले। देखो अगर हमें लेसन आता है तो ही हमें आंसर आएंगे, नहीं तो हमें उसके आंसर आते नहीं, आ नहीं पाएंगे, राइट। खेत के पास बगीचा था, वह रहा केले का पेड़, और थर्ड वाली ब्लैंक क्या है? फिर शुरू हुआ देश का खेल। फिर किसका खेल शुरू हुआ था? यस, रेल का। किसका खेल शुरू हुआ? रेल। फिर शुरू हुआ रेल का खेल, राइट। खेत के पास बगीचा था, वह रहा केले का पेड़, और फिर शुरू हुआ रेल का खेल, राइट। तो ये थे हमारे ब्लैंक्स के आंसर, जो आप लोगों को टिक भी करनी है और फिर उसमें लिखना भी है। डन। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर थ्री। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? सही पर राइट, गलत पर रोंग का निशान लगाओ। जो सही है उसमें राइट करना है, जो गलत है उसमें रोंग करना है। तो देखो, केले का रंग, केले का रंग किस किस प्रकार के केले होते हैं? हरा, लाल, पीला या ब्लू, नीला। तो देखो हरा केला होता है, कच्चे केले आते हैं ना वो हरे रंग के होते हैं, कच्चे केले की हम लोग वेफर बनाते हैं, राइट। तो कच्चे केले वो उसमें राइट करना है, यानी कि हरा रंग उसमें राइट करना है। लाल रंग का केला होता नहीं है तो उसमें करना है रॉन्ग। फिर उसके बाद पीला केला, यस, जब केला पक जाता है तो वो पीले रंग का हो जाता है तो उसमें करना है राइट। क्या करना है? राइट। और उसके बाद नीला केला, वो तो ऐसा तो होता ही नहीं है, राइट, तो उसमें तो रॉन्ग करना है, यानी कि हरा केला और पीला केला दोनों में हम लोग राइट करेंगे, ओके। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर टू, ख वाला, सेब का रंग। सेब का रंग कैसा होता है? हरा, देखो पर्पल, पीला या पर्पल जामुनी कलर, राइट, और लाल। तो लाल रंग का तो सेब होता ही है, राइट। पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेब एकदम खट्टे मीठे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो वो थोड़े से हरे होते हैं, थोड़े से, राइट। तो इसमें हम लोग हरे में भी राइट करेंगे, हरे में और लाल में, राइट। तो ये हुई केले और सेब के कलर की बात, रंग की बात। नाउ पेज नंबर 38, कौन सा पेज करेंगे? पेज नंबर 38, एकदम इजी है। पेज नंबर 38 में क्या दिया है? क्वेश्चन फोर क्या है? रंग भरो। क्या है? क्वेश्चन फोर है रंग भरो। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक है केले का पेड़ और एक है सेब का पेड़। तो केले के पेड़ में आप लोगों को केले का पेड़ कैसा होता है? देखो हमें आगे दिया है, हमारा लेसन है ना, उसमें दिया ही है, तो उस तरीके से रंग करने है। और सेब का पेड़ है तो सेब के पेड़ में सेब भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो सेब भी हमें कलर करना है और पेड़ में भी हमें कलर करना है, तो इन दोनों पेड़ों में हमें रंग भरना है। क्वेश्चन फोर तो इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फाइव, जो फल आपको पसंद है उन पर राइट लगाओ। देखो
देखो जो फल आपको पसंद है उन पर राइट लगाओ। तो ये तो आपको खुद करना है कि आपको कौन कौन से फल पसंद है उन पर राइट करो, और जो फल नहीं अच्छे लगते उस पर रॉन्ग करो। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि फल तो सबको अच्छे ही लगते हैं, राइट? फल सबको अच्छे लगते हैं और फल खाने से हमारी हमें शक्ति भी आती है, राइट? हमारे विटामिन बढ़ते हैं, राइट? तो फल तो सबको अच्छे ही लगते हैं, तो सभी फल में राइट कर देंगे तो भी सही रहेगा, राइट? तो फल देखो, एप्पल है, सेब है, फिर आम, अनानास, केला, फिर स्ट्रॉबेरी है, फिर अनार है, तरबूज है, फिर खरबूजा है, फिर जो पेरू आता है वो है, और फिर संतरा है, राइट? तो उन सब में आप लोगों को जो आपको पसंद है उसमें राइट करना है, जो नहीं पसंद उसमें रॉन्ग करना है, ओके? नाउ अभी हम करते हैं हमारी अभ्यास पुस्तिका। क्या करते हैं हम लोग अभ्यास पुस्तिका? तो अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 28, सबसे पहले कौन सा पेज करेंगे हम लोग? पेज नंबर 28। देखो पेज नंबर 28 में क्या दिया है। चलो एक ही मात्रा लगाने वाला शब्द तो हमें रीड करना आ गया है, राइट? हमने उसके पूरा लेसन भी देख लिया टेक्स्ट बुक में, और उसकी अभ्यास था वो भी कर लिया, राइट? देखो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पेज नंबर 28 पर। चित्र पहचानकर नाम लिखो। चित्र को पहचानना है और फिर हमें उसके नाम लिखना है। तो सबसे पहले कौन कौन से चित्र है ना वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कौन कौन से चित्र है उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले किसका चित्र है? रेलगाड़ी का। किसका है? रेलगाड़ी। फिर है बेलन। क्या है? बेलन, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। रेलगाड़ी, बेलन, और फिर है हथेली। क्या है? हथेली, हमारी हाथ, जो ये हमारा पाम होता है, राइट? रफ योर पाम हम कहते हैं ना, ये हमारी हथेली। क्या है? हथेली। और फिर है केला। क्या है? केले का चित्र। और फिर है करेला। करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, राइट? और वो हमारे लिए अच्छा होता है, कोई बार एक बार खाना चाहिए, राइट? रेलगाड़ी, बेलन, हथेली, फिर केला और करेला, राइट? तो हमें उसको लिखना है। देखो हमें जितनी मात्रा आ गई है उसके बारे में ही है। सबसे पहले क्या है, पहला चित्र कौन सा है? रे ल गा डी। एक एक वर्ड बोलते जाओ और लिखते जाओ, रे ल गा डी, राइट? उसके बाद क्या है? बे ल न, बेलन। फिर उसके बाद क्या है? हथेली, हथेली, रेलगाड़ी, बेलन, हथेली। और उसके बाद क्या है? केला, केला। उसके बाद करेला, क रे ला, करेला। रेलगाड़ी, बेलन, हथेली, केला, करेला, राइट? चित्र को देखा और हमें शब्द भी लिखने आ गए, राइट? और दूसरे पेज पर देखो, पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 पर भी हमें दिए है, इसका चित्र है पेड़ का। इसका चित्र है पेड़, राइट? हम यहाँ लिखे हैं, राइट? देखो इसका चित्र है पेड़, राइट? और पेड़ को दूसरा क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं, राइट? वृक्ष है तो पेड़। फिर क्या है? शेर। क्या है? शेर, शेर, राइट? उसके बाद क्या है? गोल 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 जलेबी। क्या है? जलेबी, जलेबी, राइट? तो हो गए चित्र को देखा, रेलगाड़ी, बेलन, हथेली, केला, करेला, पेड़, शेर, जलेबी, डन। उसके बाद क्या है, हमने क्या देखा है? क्वेश्चन नंबर 2 अभी देखना है हमें। क्या करना है?
क्वेश्चन नंबर टू। तो देखो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, रीड करो, पहले रीड करने की कोशिश करो कि नीचे लिखे मात्रा वाल के वर्ण से शुरू होने वाले दो दो शब्द बनाओ। देखो हमें एक एक वर्ड दिया है, राइट, हमें उससे दो दो वर्ड बनाने हैं, दो दो शब्द बनाने हैं। एक वर्ण दिया है मात्रा वाला, उसको लेके हमें दो दो कोई भी शब्द बनाने हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या दिया है, बे, क्या दिया है, बे। तो उससे क्या कौन कौन से शब्द बनते हैं, याद आता है कि देखो बेलन तो भी हमने देखा, बेलन तो और हम लिख सकते हैं बेसन, बेसन, बेसन यानी कि चना नो लोट, राइट, बेसन। और बेटा, मम्मी का प्यारा बेटा, बे से बेसन और बे से बेटा। और उसके बाद कौन सा है, ते, क्या है, ते। तो ते से कौन कौन से बनते हैं शब्द, तेल, तेल, खाने में भी हम यूज करते हैं, हमारे सर में सिर में भी डालते हैं, तेल, तेरह, तेरह यानी कि 13, 1, 3, 13, बे से बेसन, बेटा, ते से तेल, तेरह। और फिर है खे, क्या है, खे, तो खे से क्या होता है, खेत, क्या होता है, खेत। और खेत और क्या था इसमें, रेल का खेल, तो खे से खेत और खे से खेल। और उसके बाद क्या है, से, क्या है, से, तो से देखते यहाँ पर लिखते हैं, राइट, साइड में है तो हम साइड में लिख लें, से क्या होगा, से क्या था इसमें खाने की चीज, सेब, क्या था, सेब। और से सेहत, अभी हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, राइट, से सेब, से सेहत। फिर है के, तो के से क्या होगा, के से केवल, केवल यानी कि फक्त वो ही बात, केवल यही बात है, तो केवल किसी का नेम भी हो सकता है। के से केश, राइट, के से यानी कि बाल, के से केवल और के से केश, राइट, के से केला भी लिख सकते हैं हम लोग, जो के से कई सारे शब्द होते हैं, तो से भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो हमें जो जो याद आता है वो हम लिख सकते हैं। फिर है रे, क्या है, रे, तो रे से क्या होता है, रेखा, राइट, रेखा यानी कि लाइन भी होगी और किसी लड़की का नाम भी होगा। और रे से रेत, रेत, राइट, रे से रेखा और रे से रेत। तो ये थे, हमें सिर्फ वर्ण दिए थे, हमने उनसे क्या किया, हमने उनसे शब्द बनाए, बे से बेसन, बेटा, ते से तेल, तेरह, खे से खेत, खेल, से सेब, सेहत, के से केवल, केश, रे से रेखा, रे, राइट। तो ये हमारे मात्रा वाले शब्द हो गए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभी हम वो देखते हैं। उदाहरण के अनुसार लिखे, उदाहरण में दिया है हमें, वैसे हमें लिखना है खरबूजा, तो उसका खरबूजे, क्या किया, खरबूजा का खरबूजे। तो मेला, तो उसका हम क्या करेंगे, मेले, क्या करेंगे हम लोग, मेला का क्या होगा, मेले, खरबूजा का खरबूजे, तो मेला का मेले, राइट। फिर उसके बाद सितारा, तो उसका क्या होगा, सितारे, क्या होगा, सितारे, राइट। उसके बाद है बच्चा, देखो ये थोड़ा ये क्या हो जाएगा, पता है आप लोगों को, प्लूरल में सिंगल में से प्लूरल बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन, तो उस पर अनुस्वार भी लग सकता है, राइट, मेला तो मेले, सितारा तो सितारे, फिर बच्चा, तो उसका क्या होगा, बच्चे, क्या होगा, बच्चे, राइट, बच्चा का क्या होगा, बच्चे, राइट, ऊपर हमें अनुस्वार भी
लगा सकते हैं, ये बहुवचन शब्द भी बनता है, राइट। उसके बाद क्या है, करेला, तो करेले क्या बनेगा, क रे ले, राइट। करेला तो उसका होगा करेले। फिर है बेटा, तो बेटे क्या है, बेटा तो बेटे। फिर उसके बाद किनारा, तो उसका क्या होगा, किनारे, क्या होगा, की ना रे। अभी तो हमें सिर्फ क्या लगानी है, मात्रा ही लगानी है, क्या लगानी है, सिर्फ मात्रा लगानी है, राइट। किनारा तो किनारे, क्योंकि तो हमने अभी एक ही मात्रा सीख रहे हैं ना अभी हम लोग, राइट। फिर गुब्बारा, तो उसका क्या होगा, गुब्बारे, क्या होगा, गुब्बारे, राइट। अभी हमने सिर्फ क्या की है, मात्रा सीखी है, ऊपर मात्रा लगानी, राइट। मेला का मेले, सितारा का सितारे, फिर यहाँ तो कुछ नहीं था, राइट। फिर बच्चा का बच्चे, करेला का करेले, बेटा का बेटे, किनारा का किनारे और गुब्बारा का गुब्बारे, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें एक ही मात्रा लगाकर वाक्य ठीक करो। हमारा जो चैप्टर था ना, उसमें हमने लिया था वैसा। देखो इसमें क्या दिया है, नहा और रमस खत गए, ऐसा नहीं होता, पर सभी में ऊपर एक ही मात्रा लगानी बाकी है, राइट। तो मैंने देखो आप लोगों को लगा के दिए, आप लोगों को सिर्फ उसी तरीके से मात्रा लगानी है और रीड करना करते जाना है। नेहा और रमेश खेत गए, खेत के पास बगीचा था, वह रहा केले का पेड़, तो केले में, केले में भी मात्रा लगानी है और पेड़ में भी मात्रा लगानी है। यह रहा सेब का पेड़, तो स में भी मात्रा लगानी है और प में भी मात्रा लगानी है। तभी सुदेश, दमे और रेखा, रमे भी आ गए, राइट। जहां जहां मात्रा नहीं है वहां वहां हमें एक ही मात्रा लगानी है। सबने खूब केले सेब खाए, सबने, ने तो न के ऊपर मात्रा और केले तो क और ल के ऊपर भी मात्रा, राइट। फिर उसके बाद फिर केले, फिर खेला रेल का खेल, राइट। तो जहां जहां पर एक ही मात्रा नहीं है वहां वहां पर हमने एक ही मात्रा लगा ली, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेब के चित्र में लाल रंग भरो। सेब का चित्र दिया है, तो सेब लाल रंग का होता है, तो हमें उसमें अच्छा सा लाल रंग करना है। पर खास यह ध्यान रखना है कि बहुत डार्क नहीं करना है, नहीं तो उसकी छाप होती है जो हमारी आगे के वर्ड्स हमें दिखाई देंगे नहीं, राइट। तो वो हमें खास ध्यान रखना है, हमें रंग करना है, पर क्या करना है, उसको बहुत जोर लगा के नहीं करना है, पर एकदम लाइट लाइट उस पर बहुत जोर देना नहीं है, राइट। तो सेब के रंग में आप लोगों को भी कलर करना है। तो यहाँ पर हमने हमारा पेज नंबर 30 था वो भी कंप्लीट कर लिया। डन। तब तक के लिए बाय।